नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान अध्यापकों के समय से विद्यालय आने, बच्चों को दी जाने शिक्षा, मिड डे मील, भोजन की गुणवत्ता, कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटर पर कराए गए कार्यों, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने औचक रूप से पूर्व माध्यमिक विद्यालय धमेड़ा कीरत का निरीक्षण करते हुए अध्यापकों के समय से विद्यालय आने, बच्चों को दी जा रही शिक्षा, मिड डे मील, भोजन की गुणवत्ता, कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटर पर कराए गए कार्यों, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बच्चों से भूगोल, गणित, संस्कृत विषयों के बारे में प्रश्न भी पूछे जाने पर बच्चों द्वारा उनके जवाब दिए गए। अध्यापकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों को जिस भी विषय के बारे में शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देकर समझाया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी न हो। बच्चों को आज दिए गए मध्यान्ह भोजन के बारे में बच्चों से जानकारी करने पर बताया गया कि भोजन में दाल चावल दिए गए हैं। रसोई का निरीक्षण करते हुए बनाए गए भोजन की गुणवत्ता को भी परखा गया है। विद्यालय में कायाकल्प के तहत किराए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। प्रधानाचार्य एवं ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि विद्यालय एवं उसके आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। विगत दिवस आयोजित की गई जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल को तृतीय स्थान मिलने पर बच्चों एवं अध्यापकों को बधाई दी गई। मतलब हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं और अध्यापक लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैंने अपर प्राइमरी स्कूल कीरतपुर धमेड़ा का निरीक्षण किया। और यहाँ ये जानकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे न केवल व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बल्कि उनको सब्जेक्ट की जानकारी भी है। मैंने अभी अध्यापकों से अनुरोध भी किया, जैसे संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था, मैंने उनको बताया कि पहले उनके जीवन परिचय के बारे में सभी छात्रों को बताएँ और जब विषय की पृष्ठभूमि बना देंगे उसके बाद जो उसके कंटेंट है छात्रों को और समझ में आएगा। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ प्रधान जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और ऑपरेशन कायाकल्प के जितने भी पैरामीटर हैं वो सब यहाँ पूरे किए गए हैं। और अभी बरसात के बाद विद्यालय की रंगाई पुताई भी शुरू हो रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो बहुत अच्छा नेतृत्व करेंगे और अपने स्कूल को एक पूरे जनपद में मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि हमारा विद्यालय इतना आदर्श विद्यालय है। और अभी हम लोगों ने जो साइंस क्विज कराई थी करीब 3 दिन पहले, उसमें पूरे जनपद में इस विद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। और यहाँ के सभी जो अध्यापकगण हैं और जो छात्र हैं सभी बधाई के पात्र हैं, और मैं प्रधान जी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय का इतने अच्छे से ध्यान रखा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।